शासक आया जिसने मजारों को मालिक बना दिया, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर हुआ जिसकी राजधानी लोहगढ़ थी, जो जगाधरी शिशरौली के पास है पहाड़ों में जंगल में, वो उसको भी प्रकट किया माननीय मनोहर लाल जी ने। आज वो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट हब बनने जा रहा है, वहाँ किले की खोज हो गई, वहाँ सिक्के मिल रहे हैं और पुरातन चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं। और ताजुब की बात भी इस देश से मुगलों के राज के खात्मे का शुरुआत भी गुरु गोबिंद सिंह जी के बाहर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने की, और वो भी लड़ाई जो लड़ी उन्होंने इस लोहगढ़ किले से, ये सिक्के शुरू किए गुरु नानक देव जी के नाम से, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से, और उनको फैलाने में, और सबसे पहले जो शुरुआत उन्होंने की वो भी खरखौदा के पास खांडा सहेली गांव है दिल्ली के साथ लगता, वहाँ उन्होंने शुरुआत करके ये सारा माहौल सिर्जा। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी का 350 साल मनाया, और ये फैसला अब 550 साल मनाने का जो किया सिख कौम के लिए बहुत गर्व की बात है। नहीं तो सिख अपने आप में ही गुरुद्वारे में बैठ के कीर्तन किया, लंगर छकिया और भाषणबाजी की, तो गुरपुरब मनाया। सीएम साहब ने बहुत क्लियर कहा है कि ये काम तो रोज सिख समाज ही कर रहा है, जी हमने भी वो ही करने हैं, तो उसमें क्या हम नया क्या कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा है उससे समाज क्या सेध ले। एक उनकी जो सद्भावना की बात थी, एक पिता एक इसके हम बारे के, जब से माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने और जब से हरियाणा होंद में आया और भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले कई दफ़ा कई सरकारों में शामिल रही, पर अपने तौर पे अपने वजूद से अपने बहुमत से पहली दफ़ा सरकार बनी, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहली दफ़ा MLA बने, पहली दफ़ा CM बने, और उनके CM बनने से जो एक माहौल बनया, जो वातावरण बनया सारी स्टेट का, वो सारे देश में इस बात की प्रशंसा हो रही है कि कैसे भाजपा पहली दफ़ा राज में आई, मनोहर लाल जी पहली दफ़ा CM बने, और ऐसा वातावरण उन्होंने सभी समाजों के लिए कर दिया, गरीब के लिए भी, मड्योकर फैमिलीज के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी, एक ऐसा माहौल उन्होंने सिर्जा है। तो आज दूसरी स्टेटों के मुख्यमंत्री उनसे बैठना अच्छा समझते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाह रहे हैं, उनकी यहाँ के